गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज हम चैप्टर टू का क्वेश्चन आंसर रिवाइज कर रहे हैं। तो स्टार्ट कर रहे हैं, क्या करना। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट वर द बॉयज डूइंग इन द डार्क। ठीक है, बोले जो लड़के थे वे अंधेरे में क्या कर रहे थे। द बॉयज ट्राई टू इंटर मिस वॉटसन हाउस। ठीक है, मिस वॉटसन के हाउस में अंदर जाने का ट्राई कर रहे थे लड़के। ठीक है, सेकेंड क्वेश्चन हु वॉज जिम। जिम कौन था। जिम वॉज द मिस वॉटसन सर्वेंट। तो जिम था वो मिस वॉटसन का नौकर था, सर्वेंट था। वाट डिड जिम डू वेन ही हर्ड अ नॉइज। ठीक है, जिम क्या करता है जब वो नॉइज सुनता है। ही गॉट अप एंड स्ट्रेच्ड हिज नेक आउट अबाउट अ मिनट लिसनिंग। ठीक है, वो एक मिनट सुनने के बाद वो उठता है और स्ट्रेच्ड करता है अपने आप को, नेक को स्ट्रेच्ड करता है। फोर्थ क्वेश्चन इज व्हाट हैपेंड टू हक व्हेन जिम सैट डाउन बिटवीन हिम एंड टॉम। ठीक है, बोल रहा है कि क्या होता है हक को जब दोनों के बीच में, जिम और टॉम के बीच में, उसके और टॉम के बीच में जिम बैठ जाता है। तो हिज नोज बिगिन टू इच एंड इट इच्ड टिल द टीयर्स कम इन टू माई आउ। बोल वो उसके नाक जो है वो इचिंग होना स्टार्ट कर देता है, तब तक होता है जब तक उसकी आंखों से आंसू नहीं आ जाते हैं। एंड द लास्ट क्वेश्चन इज व्हाट वॉज द ओथ दैट एवरी वन टुक। क्या है ऐसा जो सबको ओथ है, प्रतिज्ञा है जो सबको लेनी चाहिए। द ओथ स्वोर एवरीबडी टू स्टिक टू द बैंड एंड नेवर टेल एनी ऑफ द सीक्रेट। बोल रहा है सभी को ओथ लेना था, ठीक है, कि ये जो सीक्रेट है, ये जो कहानी है, ये जो स्टोरी थी, इसमें जो चोरी का बात था वो किसी को पता ना चले। ठीक है, तो ये सारा आपको करना है रिवाइज़। हम लोग ये सब पहले भी कर चुके हैं, तो ये रिवाइज़ करना है, ये आपके पीरियोडिक टेस्ट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, सिलेबस कवर हो। आज हमारा सिलेबस यहाँ पर ख़त्म हो रहा है, तो आपको प्रैक्टिस करनी है।